8 मई 2020 की वो सुबह मुझे आज भी याद है, जब सुबह सुबह मुझे फोन आता है और ये जानकारी मिलती है कि 16 मजदूर जो मध्य प्रदेश जाना चाह रहे थे वो ट्रेन के नीचे आकर कुचल कर मर गए। मैं जब वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंचा जहां पर ये मजदूरों की मौत हुई थी, तो वहां पर पुलिस वाले थे। मैंने कहा कि कितने लोगों की मौत हुई है, ये बॉडीज कहां पर किस अस्पताल के अंदर ले जाया गया है, तो मुझे बताया गया है कि ये लाशें अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। लाशों का मतलब ये था कि छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े वहां पर पुलिस वाले थैलों के अंदर भर रहे थे, ये हालत थी। उस दिन टेलीविजन के ऊपर ये खबर चलाई गई कि एक्सीडेंट के अंदर 16 मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन मैं उस दिन भी कहा था, एक बार फिर से आज यहां पर दोहराता हूं कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि हत्या थी, और वो हत्या के जिम्मेदार हम सब लोग हैं जिन्होंने इन मजदूरों को सड़कों के ऊपर छोड़ दिया था। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि उसी दिन अखबार के अंदर ये खबर आई थी कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए विशेष प्लेन चलाए जाएंगे। क्या ये मजदूरों को हमने मरने के लिए सड़कों के ऊपर इसलिए छोड़ दिया था कि इनकी याद हमें सिर्फ इलेक्शन के वक्त में आती है, और इनके लिए जो विदेशों के अंदर रहते हैं उनके लिए विशेष फ्लाइट्स का प्रबंधन किया गया था? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज 6 महीने के बाद क्या हिंदुस्तान का एक भी शहर ये दावा करके कह सकता है कि हमारे पास आज पूरे वेंटिलेटर्स हैं, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से सक्षम है? आज भी मंत्री जी, जिस शहर के अंदर वेंटिलेटर्स है, जिस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर्स है, वहां पर डॉक्टर्स नहीं, जहां डॉक्टर्स है तो वहां ऑक्सीजन नहीं, और जहां पर वेंटिलेटर्स भी है, ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर्स भी है, तो वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। जब हमने आपसे वेंटिलेटर्स के बारे में पूछा तो आपने कहा कि नहीं, थाली बजा लो। जब हमने आपसे पूछा कि डॉक्टर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आपने कहा कि दिया जला लो, अंधेरा कर लो। आज जब जीडीपी इतना गिर गया है तो हम सरकार की तरफ से एक फरमान सुनना चाह रहे हैं कि कब आएंगे वजीर आजम और ये ऐलान करेंगे कि अब सड़कों पर निकलो, ढोल बजाओ और ये ऐलान करो कि उठ जीडीपी, जिस तरह हमने ये कहा था कि गो करोना के नाम के ऊपर। हमने अपना मजाक पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये किया था। आज चाइना के अंदर इस बीमारी का जन्म हुआ, इटली, ब्राजील, स्पेन के अंदर ये पली बढ़ी, जैसे ही भारत के अंदर आई तो ये हिंदू और मुसलमान का शक्ल इख्तियार कर ली। बड़ा अफसोस होता है मंत्री जी हमें, जब इस सदन के अंदर बैठे हुए एक सांसद ये कहते हैं कि ये बीमारी इस देश के अंदर फैली तो तबलीगी जमात की वजह से फैली। अगर कसूरवार कोई था तो उसके ऊपर आपकी सरकार है, आप लीजिए उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन इस तरह ऐसे मौके के ऊपर जब लोगों की जाने जा रही थी, उस वक्त हम हिंदू मुसलमान कर रहे थे, सारे टेलीविजन चैनल के ऊपर ये दिखाया जा रहा था कि ये बीमारी हिंदुस्तान के अंदर फैली है तो एक तबलीगी जमात की वजह से फैली है। अगर किसी की तरफ से कोई गलती थी तो आप बोलिए, आपकी सरकार है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं मंत्री जी, प्लीज कंक्लूड। एक दो मिनट अध्यक्ष महोदय, आज हमें मालूम है कि संकट गहरा हुआ है, हम सरकार का पूरी तरह से साथ दे रहे। ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष के अंदर है तो हम हर चीज की आलोचना कर रहे। आपने मेहनत किए है, कोशिश किए है, लेकिन जिस तरह के जो फैसले लिए जा रहे थे, ऐसा लग रहा नहीं था कि ये मुल्क के अंदर लोकतंत्र है बल्कि तानाशाही है कि 4 घंटे पहले आ जाओ, कह दो कि 4 घंटे के बाद देश बंद हो जाएगा, और देश बंद कर दिया गया है। आज अगर यही हालत रही तो अध्यक्ष महोदय 30 सेकंड सिर्फ, आज यही हालत रहा तो देश इस मुल्क के वजीर आजम को देखकर यही कहेंगे कि आखिर हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, वाह मोदी जी वाह।